बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मे हरीम आज आपके साथ शेयर कर रही है बर्तनों को साफ़ सुथरा बनाने के लिए एक बहुत ही सस्ती सी और मियारी सी टिप, जो आपके जले से जले हुए बर्तन को भी साफ़ कर देगी। जी हाँ, इस तरह का जलाव भी इससे हो जाएगा मिनटों में साफ़। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें सबसे पहले मैं ले रही हूँ दो स्टेनलेस स्टील के वूल, एक स्कॉच ब्राइट और साथ में काला तेल। ये काला तेल जो है ये बड़ी आसानी से अवेलेबल है हर किराना स्टोर के ऊपर। आपने क्या करना है कि ये लेना है 50 रुपये का और उसको डालना है एक डिब्बे के अंदर। कोई भी कंटेनर आप ले सकती हैं, उसके अंदर आप इसको डाल दें और बाद में इसके अंदर आप शामिल कर दें 2 गिलास पानी। 2 महीने तक आप 50 रुपये के नुस्खे को चला सकती हैं, जो आपके बर्तनों को चांदी के जैसा साफ करेगा। जब भी आपने इस तरह का बर्तन जला हुआ साफ़ करना हो, आप इसके ऊपर थोड़ा सा ये ऑयल लगाएं और उसको 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से स्टे दें और बाद में इसको अच्छे से स्कॉच ब्राइट के साथ या स्टेनलेस स्टील का जो वूल है इसके साथ अच्छे से इसको रगड़ लें, तो ये बहुत अच्छा सा चमक जाएगा और बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा। तीन से चार मिनट का हम इसको स्टे देंगे और बाद में हम जो स्टेनलेस स्टील की वूल है उसके साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता से करके रगड़ लेंगे और ये साफ़ हो जाएगी। पहले वूल के साथ साफ़ करें और बाद में इसके ऊपर स्कॉच ब्राइट के साथ थोड़ी सी मेहनत करें। 30 से 40 सेकंड के अंदर हमारा जो बर्तन है ये बिल्कुल चमक जाएगा। ये आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है। अब हम करेंगे इसको वॉश। ये आप खुद देखें, हमारा जो पैन है ये बन गया है ना मेरे जैसा। इसी तरह से हम इसी प्रोसीजर को करेंगे कढ़ाई के ऊपर। जब बर्तन बहुत ज़्यादा जल जाए तो इसका तरीका यह है कि इसके अंदर 2 से 3 लीटर पानी डाल के इसके अंदर वॉशिंग पाउडर कोई सा भी डाल दें और इसको थोड़ी देर के लिए चूल्हे के ऊपर चढ़ा दें, जिस तरह मैंने किया। अब जो इसकी चिकनाई है, जो भी इसका जला हुआ है, ये सारा आसानी से साफ हो जाएगा। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे तेल और इसको दोबारा से रगड़ लेंगे और ये प्रेशर जो है या कढ़ाई जो भी हो ये बड़ी आसानी से आप साफ़ कर लेंगी। टिप से अगर फ़ायदा हो, आपको अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।